हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2019 नोटिफिकेशन के बारे में, जो 16 अक्टूबर 2019 को आउट हो चुका है। और आज हम इसकी एप्लीकेशन करने की स्टार्ट डेट, एंड डेट, फीस के बारे में, पोस्ट के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये यूपी पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो यूपी पीसीएस का जो एप्लीकेशन है उसकी स्टार्ट डेट 16 अक्टूबर 2019 है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11 नवंबर 2019 और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 13 नवंबर 2019। तो जो फ्रेंड्स, आप जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लेट लास्ट डेट का वेट करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि साइट में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या फी पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाता है, सर्वर एरर दिखाने लगता है। तो फ्रेंड्स, आप इन सब से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़ है। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी या इंटरनेट फी 25 रुपीज़ है। तो टोटल 125 रुपीज़ एप्लीकेशन फी इज फॉर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप की फीस के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की एग्जामिनेशन फी 40 रुपीज़ है। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी भी है जो कि 25 रुपीज़ है। तो टोटल 65 रुपीज़ इज एप्लीकेशन फी इज फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट। वहीं अब बात कर लेते हैं हैंडीकैप कैंडिडेट्स के बारे में। तो हैंडीकैप कैंडिडेट की एप्लीकेशन फी निल है, पर इनकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 25 रुपीज़ है। तो हैंडीकैप पीपल के लिए एप्लीकेशन फी सिर्फ 25 रुपीज़ है। अब वहीं बात कर लेते हैं अगर डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर ऑब्लिक एक्स सर्विस में ऑब्लिक वुमेन में, तो इनकी जो फी है ये अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी की बेस पर है। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर पोस्ट में। तो इस बार अप्रॉक्सीमेटली 364 टोटल नंबर पोस्ट हैं। तो प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द कंबाइंड स्टेट ऑब्लिक अपर्स सब ऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन अंडर जनरल रिक्रूटमेंट आर अबाउट 300। फॉर स्पेशल रिक्रूटमेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज 9। फॉर द असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट द नंबर ऑफ वैकेंसी इज 2 एंड फॉर द पोस्ट ऑफ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर द नंबर ऑफ वैकेंसी इज 53। तो टोटल नंबर पोस्ट जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 364 इस बार। अब बात कर लेते हैं उन पोस्टों की जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों देना पड़ेगा, यानी कि स्पेसिफिक क्वालिफाइंग पोस्ट थ्रू रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू। यानी कि ये जितनी भी पोस्ट मैं डिस्कस करूंगा वो सारी पोस्ट जो हैं उनमें आपको रिटर्न एग्जामिनेशन भी देना है और इंटरव्यू देना है। फॉर एग्जाम्पल सब रजिस्ट्रार, तो सब रजिस्ट्रार की एलिजिबिलिटी क्या है, लॉ ग्रेजुएट। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उसी पोस्ट पर अप्लाई करिएगा जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है पर आपको वो जॉब नहीं मिलती। इसका मेन कारण क्या है कि आपने पोस्ट के लिए, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपने अप्लाई किया और आप बाद में आपको पछतावा होता है कि काश हमने एलिजिबिलिटी पहले ही देख ली होती। इसीलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें। तो चलिए आप क्या करते हैं, और भी पोस्ट देखते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है वो देखते हैं। तो पहली पोस्ट क्या है, सब रजिस्ट्रार। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो लॉ ग्रेजुएट है। फिर डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी वो पीजी डिग्री है। देन डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, इसकी जो एलिजिबिलिटी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। देन डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, इसकी जो डिग्री है वो कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। देन असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट, ऐसे करके और भी पोस्टें हैं और उनके जो एलिजिबिलिटी है वो है। अगर आप इन सब इनमें से किसी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी और भी पोस्टें हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, जिसके लिए आपको पीजी डिग्री इन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और सोशल वर्क में होना चाहिए। और जो दूसरी पोस्ट है वो डिजिग्नेटेड ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो इसकी एलिजिबिलिटी वो पीजी डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए और वन ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इज एज बेलो, लाइक अ बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस लाइक डैट। तो अगर आप इन पोस्टों में से किसी में भी एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्ट पर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं।
इसके अलावा दूसरी पोस्ट और क्या क्या हैं, वो हैं स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस ग्रुप या और एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर ग्रुप। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें अप्लाई करने से पहले। अब बात कर लेते हैं उन पोस्टों की जिसमें आपको सिर्फ रिटेन एग्जाम देना होगा। यहाँ पर आपको कोई भी पर्सनल इंटरव्यू या वाइवा वॉस किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या क्या करेंगे, सिर्फ आपको रिटेन एग्जाम देना है और उसी के बेस पे आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, तो इसमें टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑडिट, सीनियर शुगर केन, वेटरनरी एंड वेलफेयर ऑफिसर। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्टों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन पोस्टों की जो अंडर द असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑब्लिक रेंज ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विस एग्जामिनेशन में है। तो इनमें सिर्फ दो पोस्ट हैं, पहली कौन सी है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, दूसरी है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट। और उनकी एलिजिबिलिटी, अगर आप इन पोस्टों के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके इन्हें भी फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी पोस्टों के बारे में, तो अदर पोस्ट क्या क्या हैं, डेप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स, एक्साइज इंस्पेक्टर एंड डिप्टी जेलर। अब बात अगर कर ले कि यूपीपीएससी के पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, तो यूपीपीसीएस में क्या है, इन्होंने इस बार 3 सक्सेसिव स्टेजेस रखी हैं, जिसमें पहली क्या है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। दूसरी स्टेज क्या है, मेन एग्जामिनेशन, जिसमें जो पैटर्न रहेगा वो कन्वेंशनल टाइप रहेगा, यानी कि रिटेन एग्जामिनेशन होगा। जो तीसरी स्टेज क्या है, वो वाइवा वॉस है या पर्सनल टेस्ट, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो पर्सनल इंटरव्यू है। तो इस बार जो पैटर्न है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है, पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा मेन एग्जामिनेशन, तीसरा वाइवा वॉस। अब अगर बात कर लेते हैं हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला पेपर 1 या 2 पेपर में डिवाइड है कह सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 है, और ये कब होगा, ये मॉर्निंग सेशन में होगा, और इसका जो टाइम होगा 2 आवर होगा, यानी मॉर्निंग टाइम 9:30 to 11:30 है। अब वही पेपर 2 की बात कर लें, तो पेपर 2 का जो टाइमिंग है वो आफ्टरनून में 2:30 to 4:30 PM, यानी ये भी एग्जाम सिर्फ 2 घंटे का होगा, और जो इसका मैक्सिमम मार्क्स है 200 है। अब इसमें हम कुछ की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो पहला की पॉइंट क्या है कि जो पेपर 2 है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, वो क्वालिफाइंग पेपर होगा, और इसमें आपको 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपेयर इन बोथ द पेपर्स और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि आपको इन दोनों पेपर्स में अपियर होना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो पेपर है वो इवेल्युएट होगा। अगर आप इनमें से किसी भी पेपर में एब्सेंट हो गए तो आपका पेपर इवेल्युएट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट पे, क्या है वो, द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 1 ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो पेपर 1 में जितने भी मार्क्स लाएंगे उसी के बेस पे क्या होगा, आपकी मेरिट डिसाइड होगी। अब बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन की, तो मेन एग्जामिनेशन रिटर्न की फॉर्म में होगा, इसमें भी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक कंपलसरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स में, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में। कंपलसरी सब्जेक्ट जो है उसका जो टाइम है वो 3 आवर्स रहेगा, ये मॉर्निंग सेशन में होगा 9:30 AM to 12:30 PM तक। और इसमें क्या है, जो इसमें क्या क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं, तो इसमें जनरल हिंदी, एसे, जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर, जनरल स्टडीज थर्ड पेपर, जनरल स्टडीज फोर्थ पेपर, तो ये सब इंक्लूड होंगे। वहीं अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसका भी टाइम 3 आवर रहेगा, और ये आफ्टरनून सेशन में होगा, जैसे कि 2 PM to 5 PM पे। और इसमें क्या है, इसमें और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, बॉटनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूलॉजी। तो इसमें आपको डिसाइड करना कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या लेंगे, जैसे कि अगर आपने बॉटनी लिया तो बॉटनी के भी 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। तो इसीलिए अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ध्यान से चूज करिए। अब अगर बात करें यूपीपीसीएस 2019 के सिलेबस की, तो वो यूपीपीसीएस 2019 का सिलेबस है, वो यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप वहाँ पर जाकर अपना सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको मिलता रहे। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।